आगे आप सब बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में दोस्तों। और आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो मेनली ये बात होगी जो बहुत ज़्यादा लड़के पूछते हैं, इवन ऑनलाइन ट्रेनिंग के स्टूडेंट भी पूछते हैं जब मैं उनका डाइट चार्ट बना के देता हूँ। तो मेनली वो पूछते हैं, सर जल्दी उठा नहीं जाता, सर क्या करें, सर 8-9 बजे हम उठते हैं, कई बोलते 10 बजे उठते हैं, सर क्या करें जल्दी नहीं उठा जाता। तो भाई एक चीज़ आप नोट कर लो, जल्दी ना उठने के कारण आप बहुत ज़्यादा अपने नुकसान कर रहे हो, चाहे बॉडी बिल्डिंग फिटनेस से रिलेटेड आपका फील्ड हो, चाहे लाइफ में कुछ भी हो, कुछ भी अचीव करना हो। अगर आप लेट उठते हो तो ये समझ लीजिए, अगर आपको सूरज उठा रहा है तो ये समझ लीजिए आप अपना नुकसान कर रहे हो। अब यहाँ पे एक्सेप्शंस की बात नहीं होगी, क्योंकि कई लड़के कह देंगे कि सर वो तो यार इतने बजे उठता है, बहुत रिच है, वो तो बॉडी बिल्डर इतने बजे उठता है। नहीं भाई, आपको एक चीज़ बताऊँ, आपका प्रोफेशन जो है, आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रात को जागना पड़े जिसके लिए, और आपको मॉर्निंग में लेट उठना पड़े, ऐसा हमारा प्रोफेशन नहीं है। बॉडी बिल्डिंग फिटनेस से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कोई बॉडी बिल्डर भी इतने रात मॉर्निंग में इतने 11-12 बजे 10 बजे उठता हो। पर मेनली मैं बताऊंगा, एक्सेप्शन की बात नहीं चल रही यहाँ पे, पर मैं मेनली कहूंगा कि आपको अपनी रूटीन बढ़िया फॉलो करनी चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, हो सके तो 4-5 बजे उठ जाएं, और उसके बाद सबसे पहले वही काम करें जो आपको सबसे बढ़िया इंटरेस्ट है, जिसमें जो आपका गोल है। अगर कई स्पिरिचुअलिटी है तो वो मंदिर गुरुद्वारे में जा सकते हैं, वहाँ पे माथा टेकें। हाँ, कई जो जिम लवर मेरे भाई हैं बॉडी बिल्डिंग फिटनेस से रिलेटेड, वो जाके जिम में जाएं, वेट ट्रेनिंग करें, ज़बरदस्त फिजिक बनाए। क्योंकि अगर आप 6-6:30 बजे घर में आ भी जाते हो वापस, और फूड जो वो कंज्यूम करते हो वहाँ पे, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है फ्रेंड। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले भाई लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, पूरे ट्रेंड में आ जाए यार, यूट्यूब पर पता लग जाए यार कि जॉनी किंग अल्फा नाम का चैनल बहुत बढ़िया वीडियोज क्रिएट कर रहा है, भाई बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इंटरमीडिएट हो, बिगिनर हो, एडवांस लेवल के भाई जो हैं वीडियोस को पसंद करते हैं जॉनी किंग अल्फा की। तो ये सिर्फ हो सकता है सिर्फ आपके एक शेयर से, तो वीडियो को जरूर शेयर करना। अब मैं आगे की बात कहता हूं, जब आप जल्दी उठते हो, आपने वर्कआउट वगैरह कर लिया, आप आगे वापस 6:30-7 बजे आप जो मील कंज्यूम करते हो भाई, इवन अगर आप वहां पे सैचुरेटेड फैट भी कंज्यूम करते हो ड्यूरिंग दैट मील, अगर आप सैचुरेटेड फैट भी कंज्यूम करते हो वो भी बढ़िया ऑब्जॉर्ब होगा, उसका भी कोई नुकसान नहीं होगा। उस टाइम पे मेटाबॉलिज्म इतना बढ़िया होता है, इतना बढ़िया रिस्पांस देता है। और ख़ास करके एक और चीज़ बताऊँगा, जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर आप वो मॉर्निंग में उठते हो और जो मैंने रूटीन बताई अगर वो उसको फॉलो करते हैं, तो हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है बहुत हद तक आपकी ठीक हो जाएगी। सिवियर नहीं होनी चाहिए, पर बहुत हद तक अगर इनिशियल स्टेज में वो ठीक होगी, इतनी गारंटी है। जल्दी उठने की आदत डालो, वर्कआउट के बाद जल्दी मील लो। जल्दी का ये मतलब होगा कि अगर आप जल्दी मील लेते हो, इवन जब सूरज उगता है उसके आसपास आपका मील चलता है पहला या उससे पहले, वहाँ पे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़िया रिस्पांस देता है। वहाँ पे इवन अगर आप सैचुरेटेड फैट भी कंज्यूम करते हो या ड्राई फ्रूट्स वगैरह, उसमें भी सैचुरेटेड फैट होता है और गुड फैट भी होता है, प्रोटीन वगैरह भी मिलता है, पर अगर वहाँ पे ये कंजप्शंस भी रखते हो, ये फूड आइटम्स भी रखते हो, ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने वाला और कोई फैट अक्यूमुलेट नहीं होने वाला। सोचो कितने, ऑलमोस्ट आपके 2 मील तो मॉर्निंग में ही हो जाएंगे। और जो लड़के कहते हैं ना सर वेट गेनिंग नहीं हो रही, भाई उनके लिए बेस्ट तरीका है जल्दी उठा करो, मॉर्निंग में आदत डाल रहे हो भाई। यार एक चीज़ सोचो, कई ऐसे ऐसे लड़के भी हैं, ऐसे आशिक टाइप मेंटेलिटी के, यार कॉलेज का अगर 9 बजे का टाइम होगा, मोटरसाइकिल 6 बजे ही साफ करने शुरू कर देंगे कि पीछे लगानी है। यार ये मतलब, कहने का ये मतलब है आप जो चीज़ जो आपकी प्रायोरिटी होती है उसके लिए आप कुछ भी कर लेते हो, ये कहने का मतलब है, मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, पर जो आपकी प्रायोरिटी होती है आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, ये सच्चाई है। अब प्रायोरिटी आप ऐसी चीज़ बनाओ ना जिससे कल को कोई नाम बने आपका, कल को तरक्की कर सको, कल को कुछ अपने अपने माता पिता को कोई गिफ्ट दे सको कि ये है भाई हमारा शेर, इसने कुछ अचीव करके दिखाया हमें। आपके माता पिता को आप पे प्राउड हो, ऐसा कुछ करके दिखाओ भाई। ऐसा क्या मोटरसाइकिल पे आप पीछे गेड़ियां मारनी है, वो भी जल्दी उठ के, ये आपका पर्पज़ है, ये आपका टारगेट है। तो अपने बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए आपको जल्दी उठना चाहिए, जल्दी मील लेने चाहिए, ऑलमोस्ट आपके 2 मील तो मॉर्निंग में हो जाएंगे, जो कि बेस्ट ऑब्जॉर्ब होंगे, बढ़िया न्यूट्रिशन सप्लाई होगी आपकी बॉडी को, और आप देखोगे आप ग्रो करोगे विद इन डेज। हफ्ते अभी ये रूटीन फॉलो कर ली जो अब मैंने अभी डिस्कस किया, आप देखोगे कि कितना मसल मास गेन कर लोगे, आप कितना बढ़िया मसल मास गेन कर लोगे। और भी बहुत ज़्यादा ट्रिक्स हैं, इवन कई लड़के मुझे ये भी कहते हैं जब मैं इंस्टाग्राम पे, बाय द वे इंस्टाग्राम आईडी मेरी जॉनी किंग अल्फा है, जो भी ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो कई लड़के जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन डालता हूँ ना डेली की, दो तीन ट्रांसफॉर्मेशन मैं डालता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो मुझे कई लड़के मैसेज करके कहते हैं सर ये पॉसिबल नहीं है,
5 kg मसल गेन सर एक मंथ में, ये पॉसिबल नहीं है सर। फैट लॉस 6 kg कर दिया सर आपने 21 दिन में, या अभी मैंने कुछ दिन पहले 21 दिन वाली डाली थी 6 kg फैट लॉस इन 21 डेज। तो मुझे लड़के ये कह रहे हैं सर ये पॉसिबल नहीं है। भाई एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, आपको बढ़िया गाइडेंस मिलनी चाहिए। अब मैंने एक उसमें से ये चीज़ बता रहा हूँ कि जल्दी उठने के क्या क्या बेनिफिट है, ये मुझे वहाँ से याद आया। पर अगर आपको फुल गाइडेंस अगर पूरे दिन की ही वैसी मिले बढ़िया कोच से बढ़िया ट्रेनर से, तो आप क्या नहीं कर सकते भाई। तो जो भी लड़के जिनका मसल नहीं गेन हो रहा, जिनका वेट गेन नहीं हो रहा, अंडर वेट लड़कों की बात कर रहा हूँ वेट गेन के लिए, और मसल बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ जो मेरे फिटनेस बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड भाई हैं, ठीक है, तो आपको जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। अपने 1-2 मील तो आपके जल्दी जल्दी मॉर्निंग मॉर्निंग में ही हो जाएंगे जहाँ पे मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़िया होता है। इवन 2 से 2 दोपहर के 2 बजे 4 बजे तक भी बढ़िया मेटाबॉलिज्म रहता है, पर मॉर्निंग का टाइम बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो के नीचे लिख दे, कमेंट कर दें, और यार भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, तबाही मचा दो यार, पता लग जाए कि YouTube पे आए हैं भाई, ठीक है ना। तो ये शेयर करना पड़ेगा आपको। लव यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।